यहाँ से एंट्री है एनआईटी घाट की। चलिए देखते हैं कि पटना का सबसे प्रसिद्ध घाट एनआईटी घाट। ये मंदिर है। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एनआईटी घाट। देखिए नज़ारे, देखिए। एनआईटी घाट का दूसरा नाम गांधी घाट भी है। और यहाँ पे शाम में जो आरती होती है ना भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगती है। और अपनी फैमिली के साथ आके आप देख सकते हैं। सैटरडे और संडे को रात में होती है आरती, आके देखिए। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं और क्या है। गाइस देखिए कितनी सुंदर जगह है ये। और कभी भी आपको कोई भी स्ट्रेस हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। कितनी सुंदर, कितनी शुद्ध हवा यहाँ चलती है। तो यहाँ पे इतनी शांति है बाबा, अब मेरे को तो यहाँ पे मन लग गया है। मेरा तो मन कर रहा है यहीं पे रहूँ मैं अभी थोड़ी देर और, लेकिन अब घर भी जाना है। चलिए चलते हैं। गाइस देखिए पेंटिंग कितनी सुंदर है, कितना बढ़िया लग रहा है ये मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी आर्ट के बात ही कुछ अलग है। कितनी सुंदर लग रही है पेंटिंग ये। देखिए फ्रेंड्स ये रेस्टोरेंट भागीरथी विहार, अभी ये रेस्टोरेंट बंद है और इसमें लिख अभी ये ओपनिंग सून अभी खुलने ही वाला है ये फिर से। और ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस था पहले, अब कोरोना से पहले ही बंद था, कोरोना से पहले कहीं बंद है ये। अब देखते हैं कब खुलता है। चलिए आगे चलते हैं। आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैंने नया चैनल खोला है, उसका नाम विवेक द राइडर है। प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिएगा। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। आप भी आइए, अपनी फैमिली के साथ घूमिए फिरिए और गंगा आरती का इन्जॉय कीजिए और शाम में अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कीजिए। ठीक, थैंक यू।